हेलो एवरीवन, टुडे आई विल शो यू हाउ टू गेट 3 स्टार ऑन डार्क एजेस क्वीन चैलेंज। बेस थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, पर बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगा, आसानी से आ जाएगा 3 स्टार, अगर अभी तक आप लोगों का 3 स्टार नहीं हुआ तो चलो बेस के ऊपर चलते हैं। बेस तो बहुत ही खूबसूरत सा है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा जूम इन करेंगे और यहाँ पे जो मोनोलिथ के बीच में टॉर्च या फिर मसाल जो भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो फास्ट मसाल या फिर टॉर्च है इनके ऊपर हम लोग पहले एक स्केलेटन स्पेल देंगे, जिससे ये मोनोलिथ दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही डिस्ट्रैक्ट होगा, जैसे ही मुंह मोड़ेगा, तुरंत ये जो दो टॉर्च है इनके ऊपर आ जाएगा बेबी इन्फर्नो ड्रैगन। और सेम तरीका हम लोग ये चारों तरफ करेंगे जहाँ जहाँ पे मोनोलिथ है। तो चलो करते हैं। तो पहले यहाँ पे आ गया स्केलेटन स्पेल, और जैसे ही मुंह मोड़ लिया पीछे से आ गया हमारा बेबी ड्रैगन। सेम उस तरफ भी करेंगे, स्केलेटन स्पेल आ गया, मुंह मोड़ लिया और यहाँ पे आ गया दोनों के दोनों बेबी इन्फर्नो। और सेम यहाँ पे भी करेंगे, स्केलेटन मुंह मोड़ लिया आ जाएगा बेबी इन्फर्नो। यहाँ पे भी सेम, स्केलेटन आ जाएगा पहले, जैसे ही मुंह मोड़ लिया आ जाएगा यहाँ पे बेबी इन्फर्नो। यहाँ पे थोड़ा सा नजर डालो और एक देखो वहाँ पे बच गया, पर फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इग्नोर करेंगे, जो बच गया वो बच गया छोड़ो। पर हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी कभी ये भी होगा कि सारा का सारा मोनोलिथ आ जाएगा, और कभी कभी ये भी होगा कि एक रह जाएगा, एक मोनोलिथ किसी एक तरफ रह जाएगा। अगर ये छोड़ के, इस तरफ छोड़ के मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर किया, इस तरफ को छोड़ के अगर कहीं पे और रह जाता है तो 2 या 3 बैलून देके उनको भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो यहाँ पे तो काम तमाम है, अब 12 o'clock से आ जाएगा हमारा क्वीन, और पीछे से सारा का सारा हिलर्स आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, अब यहाँ पे रेज भी करेंगे, किंग आ जाएगा हमारा। अब रुको, यहाँ पे सुपर वॉल ब्रेकर भी देंगे जिससे ये वॉल फूट जाएगा, एक हेड हंटर भी देंगे जिससे एनिमी किंग डाउन हो जाएगा, और फिर एक और सुपर वॉल ब्रेकर देंगे जिससे ये वाला वॉल फूट जाएगा, एंड देन एक और देंगे जिससे ये वाला वॉल फूटेगा, और पॉइजन यहाँ पे रेडी रखेंगे, एनिमी सीसी के ऊपर पॉइजन आ जाएगा। चलो बहुत ही बढ़िया, थोड़ा सा होल्ड करो, रेज करने के बाद हम लोग आ जाएंगे 9 o'clock की तरफ। तो चलो कर देते हैं यहाँ पे एक रेज, फिर 9 o'clock से आ जाएगा हमारा वार्डन, सारा का सारा बलून्स देंगे, पीछे से आ जाएगा हमारा हेड हंटर, देन आ जाएगा हमारा आरसी, एंड यहाँ पे वार्डन का एबिलिटी आ जाएगा और रेज भी करेंगे जिससे ये वाला पोर्शन पूरा निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब थोड़ा सा डिस्टेंस से यहाँ पे आ जाएगा स्केलेटन शॉट के ऊपर एक स्केलेटन स्पेल, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करो। अब देखो बेस आसानी से हो जाएगा 3 स्टार। अब थोड़ा सा यहाँ पे नजर देना है, हेड हंटर आ जाएगा दोनों यहाँ से, बहुत ही बढ़िया, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नजर देंगे, चलो बहुत ही बढ़िया, अब यहाँ पे किंग का एबिलिटी आ जाएगा, चलो फिलहाल तो बहुत सी जा रहा। अब यहाँ पे आ जाएगा एक फ्रीज, रुको थोड़ा सा, बहुत सी जा रहा है। अब यहाँ पे आएगा एक फ्रीज कैटर शॉट के ऊपर, जिससे यहाँ पे थोड़ा सा कम हमें दिक्कत आएगा। अब देखो यहाँ पे मोनोलिथ काफी मार रहा है, मार मार के हमारा क्वीन का भट्टा बना दिया, पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा रुको, हम सही टाइम पे फ्रीज है ना हमारे पास, तो यहाँ पे फ्रीज कर देंगे, चलो बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे आ जाएगा आरसी का एबिलिटी, जिससे ये वाला थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा और आराम से ये वेस हो जाएगा 3 स्टार। तो यहाँ पे सुपर वॉल ब्रेकर देते हैं जिससे ये वाला और भी आसानी से हो जाएगा। चलो हमारा 3 स्टार हो गया, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा बस फॉलो करना है, जैसे मैंने बताया वैसे करो, आ जाएगा 3 स्टार अगर अभी तक नहीं आया तो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो जरूर लाइक कर देना, कुछ ज्यादा अच्छा लग गया तो कमेंट भी कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें, बाय।